हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी मैथ्स की क्लास है, यहाँ पर क्लास सेवन्थ का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर, उसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। तो 9 क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग ऑफ द साइन, कुछ साइन भी यूज कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है ना, और इक्वल्स टू बॉक्स में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें गिवन है ए माइनस 8 प्लस माइनस 4, फिर ये डैश फिलिंग द ब्लैंक्स है जिनमें कोई एक सिंबल आएगा और आगे की वैल्यू माइनस 8 फिर माइनस माइनस 4। तो इसमें दो सेट होंगे हमारे पास, एल एच एस और आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वन बाय वन एल एच एस को अगर देखते हैं, यहां पर देखें तो माइनस 8 एंड माइनस 4, बीच में प्लस है, तो माइनस 8 एंड माइनस 4 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस 12। 8 और 4 को प्लस कर देंगे बिकॉज दोनों में साइन सेम है, तो साइन क्या आएगा, माइनस 12 का। राइट हैंड साइड देखिए, यहां पर माइनस 8, ये माइनस से अंदर जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस 8 एंड प्लस 4 जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास ये माइनस है और ये प्लस का 4 है, तो 8 में से 4 कट किया 4, लेकिन जो वैल्यू है यहां पर कौन सा साइन कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 4। तो एक तो वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 4, एक तो वैल्यू आती है हमारे पास माइनस 12। इनको जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, एक रहती है माइनस 12 और दूसरी रहती है माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है हमें, एक्चुअली सॉल्व करने के बाद तो कंपेयर करेंगे तो माइनस 12 और माइनस 4, तो अब इसमें से जो है वैल्यू कौन सी बड़ी है, तो जो माइनस 4 जो है ये ग्रेटर देन इससे माइनस 12 से, तो जो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये इस तरह से फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका, तो ये जो है आप साइन यहां पर पुट कर पाएंगे, ये इसका ये आंसर होगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपने पास, सेकंड क्वेश्चन इज, अगर यहां देखें सेकंड क्वेश्चन में माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 7, ठीक है, इसके बाद है माइनस 19 माइनस 19, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। नेक्स्ट 15 माइनस 8 15 माइनस 8 और इसके बाद जो आता है अपने पास प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 9, ये क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन इज माइनस 3 प्लस 7 माइनस 19 और दूसरी तरफ जो है राइट हैंड साइड 15 माइनस 8 और प्लस ब्रैकेट में माइनस 9, ये आपका एल एच एस, ये है आर एच एस, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करें, तो देखें माइनस 3 एंड माइनस 19, जो वैल्यू माइनस की हमको प्लस करें तो 19 एंड 3 कितना हो गया 22, माइनस 22 प्लस 7, देखो माइनस 19 एंड माइनस 3 दोनों का सम हो जाएगा तो माइनस 22 हो गया और प्लस 7, ठीक है। और इस तरफ अगर यहां देखते हैं अपने पास क्या आएगा, ये वैल्यू जो है देखो ये माइनस 8 एंड माइनस 9, 8 एंड 9 देखो 15 तो है ही, 8 एंड 9 जो है आपका माइनस 17, ये आ गया आपका माइनस 17 और ये 15। अब यहां पर वैल्यू देखो तो माइनस 22 में से 7 कट, ये देखो ये 22 है, 7 22 में से 7 कट कीजिए तो यहां आ गया माइनस 15, ये कितना बच गया आपके पास
तो 22 में से 7 कट कर सिंपली 22 में से 7 कट किया कितना रहेगा आपके पास 15। अब साइन वो लगाना है जो बड़े डिजिट के साथ है, मतलब 22 अगर इन दोनों में देखें जिनको हमने सॉल्व किया था 22 साइन को भूल जाइए एक बार नहीं है साइन 22 में से 7 माइनस किया 15 रह गया ठीक है। और 15 के साथ सिंबल कौन सा आ गया आपका माइनस, यहां देखते हैं तो वही 17 में से 15 कट किया तो ये क्या रह गया माइनस 2। अब यहां पर एक तरफ माइनस 15 है और दूसरी साइड जो है आपके पास क्या है माइनस 2 है, तो जो माइनस 2 है वो ग्रेटर देन इससे माइनस 15 से, 2 जो है बड़ा है माइनस 2 बड़ा है माइनस 15 से ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन इज जो है हमारे पास 23 माइनस 41, 23 माइनस 41 ठीक है प्लस 11 प्लस 11 23 माइनस 41 प्लस 11 फिलिंग द ब्लैंक्स फिर 23 माइनस 41 और माइनस 11 माइनस 41 माइनस 11 ये चलिए लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये RHS लेफ्ट हैंड साइड में देखें ये प्लस का ये 23 भी प्लस का इनको प्लस कर दीजिए तो 23 एंड 11 4 और 3 तो ये आ गया आपका 34 तो आ गया प्लस का माइनस 41 दोनों प्लस के थे प्लस कर दिया ठीक है 34 माइनस 41 इधर देखें ये दोनों माइनस हैं ऐड हो जाएंगे 23 एडिटेज तो 41 देखो 41 और 1 11 तो 2 और ये 550 माइनस 52 ये क्या रहेगा आपका माइनस 52। यहां पर अगर इसको सॉल्व करते हैं पहले यहां देखिए 41 में से 34 माइनस करिए 41 में से 34 देखो 41 इसमें से 34 माइनस करते हैं तो क्या रह गया आपके पास ये 11 हो गया 11 में से 4 कट किया 7 और 0 ये क्या रह गया आपके पास 7 माइनस 7 ठीक है ये फिलिंग द ब्लैंक्स एडिटिव आ गया। यहां अगर देखें अपने पास क्या है 52 तो 52 में से 23 माइनस कीजिए तो ये क्या बन जाएगा 12 12 में से 3 कट किया 9 ये 4 में से 2 कट किया 2 तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 29। एक तरफ जो बचा है आपके पास माइनस 7 और जो दूसरी तरफ है माइनस 29 तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो माइनस 7 जो है आपका जो है वो क्या होगा बड़ा होगा तो माइनस 7 इज ग्रेटर देन माइनस 7 वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी बड़ी होगी माइनस 7 इज ग्रेटर देन इससे माइनस 21। इसमें जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, अगर डी को देखें तो वैल्यू जो गिवन है अपने को तो यहां पर है 39 ठीक है 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 फिर फिलिंग द ब्लैंक्स 36 प्लस 52 36 प्लस 52 एंड ये जो 52 है ये माइनस का है ब्रैकेट में माइनस 36 माइनस 36 तो 36 प्लस ब्रैकेट में माइनस 52 फिर माइनस एंड माइनस 36। अब देखें LHS और ये हो गया आपका RHS यहां LHS और RHS में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करें हमें ये माइनस और ये तो इसको देखो 39 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 24 ठीक है और माइनस 50 ये इस तरह से ये दोनों माइनस के ये प्लस हो जाएंगे देखो 39
और इनको भी प्लस करते हैं, देखो -24 एंड -15, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और ये 39, ये -39, देखो ये +39 और -39, ये आ गया 0, ये तो हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लीजिए, 36 फिर प्लस माइनस -52 और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 36, 36 एंड 36 दोनों प्लस के, ये हो जाएगा आपका 72 माइनस 52, ये हो गया 72 और माइनस क्या हो गया आपका 52, तो 72 में से अगर 52 आपका माइनस होता है तो कर दीजिए, देखिए 72 में से 52 0 2 ये आ गया 20। अब यहां पर देखिए 0 और 20, तो 20 इज ग्रेटर देन किससे, 0 से, ये आपका डी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें ई, चलिए उसको देख लेते हैं, जो ई क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है। तो लास्ट ऑप्शन जो है अपने पास ई, ई में जो वैल्यू गिवन है -231 +79, ठीक है, फिर है +51, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आपका हो गया एल एच एस। ऐसे ही राइट हैंड साइड अगर चेक करें -399 एंड 159 और 81 +159 81, ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ये है आर एच एस राइट हैंड साइड। तो यहां पर देखें सॉल्व करें, देखें -231 इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस, दोनों ही प्लस में है तो 79 एंड 51 0 और ये हो गया आपका 130 +130, 231 माइनस का है और 130 प्लस का है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 231 में से माइनस कर दें 130 तो 101 तो -101 ये आ गया आपका LHS। राइट हैंड साइड में -399 LHS दोनों को प्लस करिए 159 एंड 81 01 और 89 एंड 514 ये आ गया 240 +240 सिंबल अलग है, तो अब 399 में से माइनस क्या कर दें 240 कर दीजिए 951 -159। अब यहां पर अगर कंपैरिजन करते हैं तो -101 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, -159 से, तो इस तरह से ये जो सिंबल है यहां पर जो है आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 वो कंप्लीट हो जाता है, इसके सभी ऑप्शंस जो है हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन 9 में हमें बेसिकली जो है प्लस माइनस सिंबल्स का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें जो अपना 10th क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन, ए वाटर टैंक हैज टैप इनसाइड, वाटर टैंक है उसमें अंदर की तरफ यानी जैसे कुएं में नीचे उतरना है और स्टेप्स बनी हुई है। मैंने यहां एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, यानी एक कुआं है मान लीजिए, टैंक है कोई और नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, स्टेप्स हैं, ठीक है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली स्टेप पर मंकी बैठा हुआ बंदर है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीजर बेस पर हमें सॉल्व करना है और वो जो वाटर लेवल है वो है 9th स्टेप पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंकी जो बैठा है फर्स्ट स्टेप पर बैठा है, नीचे 9th स्टेप पर पानी है और उसे पीने जाना है। दो कंडीशन गिवन है यहां पर, फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप पर बैठा है, 9th स्टेप पर वाटर है, पानी नीचे 9th सीढ़ी पर है,
उसे पीने जाना है लेकिन सीधा नहीं जाता है, वो थोड़ा बदमाशी करता है बंदर, ठीक है, बंदर है तो बदमाशी तो बनती है, तो वो करता क्या है एक्चुअली, अब इसको समझना है हमें। तो फर्स्ट जो हमारे लिए हिंट है या एक मतलब हिंट दिया हुआ है मान लीजिए आप इसको कि ही जंप थ्री स्टेप डाउन, और बंदर यहाँ पर है उनकी तीन स्टेप जो है वो यहाँ से वन टू और थ्री, ठीक, ये जैसे यहाँ से आया फर्स्ट स्टेप पर तो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वो तीन स्टेप नीचे आ रहा है, तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और इसके बाद ये आ गया फोर्थ, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कुछ ऐसा है, इमेजिन कर लेते हैं आपने। अब फर्स्ट स्टेप पर मंकी है वो तीन स्टेप नीचे आ रहा है यहाँ से, तो वन टू और थ्री यहाँ तक आया, और फिर दो स्टेप क्या चला जाता है वो ऊपर वन और टू, यानी देखो यहाँ से एक दो और तीन, वो तीन स्टेप आया और फिर वापस चला गया दो स्टेप, तो देखिए यहाँ से जब रिवर्स जा रहा है तो यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा इस तरह से, यानी तीन बार नीचे कूदता है, तीन सीढ़ियाँ नीचे कूदता है और दो सीढ़ियाँ वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। ऐसे करते करते हमें ये बताना है कि वो कितनी बार जंप करने के बाद पानी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी एक जो है इसी में हिंट हमें गिवन है कि अगर वो नीचे की तरफ जाता है कुएं की तरफ अंदर की तरफ तो उसको नेगेटिव इंटीजर लेना, जैसे कि एक हिंट गिवन है क्वेश्चन में गिवन है थर्ड पॉइंट में माइनस थ्री लीजिए, और जो ऊपर आ रहा है उसको क्या लेना है पॉजिटिव इंटीजर लेना, ठीक है, और इस तरह से करते हुए ये इक्वल किसके आ जाएगा माइनस एट के, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, इस हिसाब से अगर हम इसको सेट करते हैं दोबारा देखिए माइनस थ्री क्यों है, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है उसको नेगेटिव लेना है, क्वेश्चन में गिवन है तो माइनस थ्री, और फिर ऊपर आ रहा है तो इसको पॉजिटिव इंटीजर, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड पॉइंट आप इसमें अगर देखेंगे तो वहां पर ये दो जो है इक्वेशन गिवन है हमें, अब ये इक्वेशन के बेस पर देखें अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मंकी जो है किस तरह से देखो माइनस तीन, तीन नीचे उतरा फिर वापस दो आ गया, फिर तीन नीचे उतरेगा फिर प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू, तो अब यहां पर जो है वैल्यू जो है हमें किस हिसाब से करनी है, देखो तीन स्टेप नीचे तो नेगेटिव में लेना है, क्वेश्चन में गिवन है थ्री स्टेप वापस दो चढ़ जा रहा है ऊपर चला जा रहा है वो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव वापस तीन उतरा फिर दो ऊपर चला गया तीन उतर गया दो ऊपर चला गया तीन नीचे की तरफ आ गया फिर दो वापस ऊपर, ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे पास फाइनली कितना आना चाहिए माइनस एट, यानी इन सबको सॉल्व करें वही एल एच एस और आर एच एस की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, उसको करने के लिए हमारे पास जो है फाइनली माइनस एट बचना चाहिए, तो चले यहां पर अब माइनस एट के लिए यहां पर हमें स्टेप काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फिर माइनस थ्री ये नाइन हो गया प्लस टू टेन माइनस थ्री, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहां पर देखते हैं तो वैल्यू चेक करते जाइए आप, अब माइनस थ्री ये भी माइनस थ्री ये भी माइनस थ्री ये माइनस थ्री ये भी माइनस थ्री और ये माइनस थ्री, ठीक है, तो अब काउंट करें यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये मान लीजिए इलेवन ले गए आप टेन ले गए, बाद में जैसे सॉल्व करेंगे हम एक आध स्टेप कम ज्यादा कर लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए माइनस एट चाहिए, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं माइनस थ्री जो है कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो माइनस थ्री इंटू सिक्स इक्वल्स टू माइनस एटीन, माइनस थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एटीन, टू देखें वन टू थ्री फोर और फाइव तो फाइव तो टू इंटू फाइव इक्वल्स टू क्या आ गया टेन, तो ये माइनस एटीन है ये टेन है दोनों का डिफरेंस क्या आ गया माइनस एट, देखो बोथ साइड इक्वल हो गया, यह हो गया माइनस एट इधर है और उधर भी क्या है माइनस एट है, ये गिवन ही है, इट मीन्स कितने स्टेप हो गए टोटल स्टेप देखो काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन, तो
आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हमारा आ जाएगा 11 स्टेप में, ठीक है। अब माइंड में जरूर एक क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट 11 कैसे, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, हमें जो है इनको इस तरह की कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए क्या लेके आना है, -8 लेके आना है, तो वो ऑटोमेटिक अगर आपने मान लो यहां पर किसी ने ज्यादा ले लिया है तो उसको कम करना पड़ जाएगा, कम ले लिया तो उसको क्या करना पड़ जाएगा, इंक्रीज करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह हम इसको क्या है, आंसर जो आएगा हमारा यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितने कितनी बार कूदेगा यहाँ पर, तो आंसर निकल के आएगा 11 जंप, 11 ठीक है, 11 बार, 11 टाइम अगर वो जंप करेगा तो वो पानी तक क्या होगा पहुंच जाएगा। चलिए इसके बाद जो है सेकंड ऑप्शन का पानी पी लिया उसने, वापस ऊपर भी आना है तो फिर भी वो सीधा नहीं आता, थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, इसके लिए जो हिंट है हमारे पास क्या है, तो जो सेकंड हिंट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड पॉइंट में दोनों हिंट ये बने हैं, ए और बी करके, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अब जो है सेकंड, वो फोर्थ स्टेप ऊपर आता है और दो नीचे, इस बार इंटीजर चेंज हो गए, ऊपर आए तो पॉजिटिव लेना और वापस नीचे जा रहा है तो क्या लेना उसको नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो चार स्टेप यहां से, वो जैसे अगर हम यहां से लेते हैं तो 1, 2, 3 और 4 फोर्थ स्टेप ऊपर गया, ये ऊपर जा रहा है अंदर, अब दो स्टेप वापस क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां से यहां आ गया और ये यहां इस तरह से, तो ये टू स्टेप क्या आ जाता है नीचे, इस तरह से चल रहा है। तो फोर्थ स्टेप तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव इंटीजर ले गया, और टू स्टेप क्या है नीचे की तरफ तो नेगेटिव, और इक्वल्स टू किसके करना है इसको 8 के, तो अब इसको करते जाइए, तो 4 प्लस माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है, डैश डैश डैश, और क्या आ जाना चाहिए 8 आ जाना चाहिए अपने पास, क्या आएगा 8। अब 8 के हिसाब से इसको अरेंज करने के लिए तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस बार मैंने ज्यादा ले लिया, अब इसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखें 4, 1, 2, 3 तो देखो 3 × 4 = 12, और 1, 2, 3 - 2 × 3 ये क्या आ रहा है 6, तो ये यहां पर देखें अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो -6 आया, तो हमारे पास तो 6 वहां पर है 8, इसका मतलब ये हमें जो है ज्यादा ले लिया स्टेप, स्टेप क्या हो गया हमारे 11, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहां से 4 स्टेप में ये आंसर इसका जो है आ सकता है, तो अब यहां पर देखें 1, 2, 3, 4 ये दोनों हमें क्या करने पड़ेंगे हटाने, ये एक्स्ट्रा हो गए। अब इसको इस वैल्यू के हिसाब से अगर अरेंज करते हैं तो ये देखिए यहां पर, या एक एक स्टेप लेकर के चलते रहे तो भी चल जाएगा, 4 में से 2 कट किया तो क्या रह गया आपके पास यहां पर 2 रह गया, 2 और 4 क्या आ गया 6, ठीक है, 6 में से फिर 2 कट किया तो आपके पास क्या रह गया 4, और फिर प्लस 4 कर दीजिए, ये प्लस 4 इस तरह से 1 प्लस 4 यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको सॉल्व करने के लिए, तो अब ये यहां देखते हैं आप क्या 4 × 3 क्या आ गया 12, और 2 2 तो ये हो गया -2 × 2 = -4 ये आ गया आपका 8, ठीक है, और इधर भी क्या है 8, ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए इस तरह से। एक एक स्टेप लेके भी चल सकते हैं, सॉल्व करते चले जब आप आंसर 8 आ जाए तब आप रुक जाइए, कैसे इसको चेक कर लेते हैं, मैंने 4 लिया 4 - 2 2 आ गया, फिर मुझे प्लस 4 करना है 6 बन गया, फिर -2 करना है तो 6 में से 2 कट किया तो 4, और फिर प्लस 4 करना है तो ये क्या है 8 आ गया, ऐसे कर लो एक ही बात। आप ऐसे भी इसको एक एक स्टेप को काउंट करते चले आगे, ऐसे ही लास्ट वाले में भी आप इसी तरह से सॉल्व, तो देखो 8, अब अगर 8 का देखते हैं तो यहां पर आप स्टेप काउंट कर लो, जब हम 8 के लिए कितने स्टेप में आएगा 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितना है 1, 2, 3, 4 और 5 तो यहां पर आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 5 जंप, कितने जंप में
पांच बार अगर वो कूदेगा तो वो जो आपका कुआं है उससे क्या आ जाएगा बाहर, या जो आपका टैंक है उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।